ओम शांति। आज 27 अगस्त 2021 के साकार मथुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर आज बाप दादा हमें पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, आत्म अभिमानी भव। बाबा के सिवाय और कोई भी आत्म अभिमानी बनने की बात नहीं समझाते हैं। ये बात बच्चे जो अभ्यास में लाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही डॉक्टर बैरिस्टर बनती हूँ, पतित और फिर पतित से पावन बनती हूँ, ये आत्म अभिमानी बनने का पाठ बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। दुनिया में चारों तरफ देह अभिमान है, बाबा जब आते हैं तो देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो बाबा ने कहा परमात्मा के बारे में आप जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते? बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने स्पष्ट किया कि आप ये जानते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरे पिता शिव बाबा भी ज्योति बिंदु हैं। ये ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं वही जानते हैं, इसलिए अव्यभिचारी याद में रहना है। अगर ये छोटा रूप याद नहीं रहता तो बाबा कहते मुझे बेहद घर में याद करो, अर्थात मूल वतन में ज्योति स्वरूप निराकार शिव बाबा को याद करो। याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। जब आप बाबा को याद करते हो तो माया विघ्न रूप बनती है। शास्त्रों में भी दिखाया है कि प्रभु के बच्चों की और माया की युद्ध हुई, एक तरफ बाप की याद है और दूसरी तरफ माया है। याद का इतना अच्छा अभ्यास करना है कि माया हिला ना सके। बाबा ने कहा बच्चों को याद में महारथी बनना है, अपनी अवस्था अचल अडोल सिथेरियम बनानी है, जरा भी माया आपके बुद्धियोग को तोड़ ना सके, ऐसा याद में होशियार बनना है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है, ये याद की यात्रा है। माया किसी भी रूप में आए, हिलाने की कितनी भी कोशिश करे, याद की यात्रा से विजयी बन जाना है। अंत में सब साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। उस समय बाबा कहते कुछ कर नहीं सकेंगे। जब किसी का रिजल्ट आ जाता है तो उस समय कुछ नहीं कर पाते, उस समय तो केवल पश्चाताप होगा, खून के आंसू बहाएंगे कि हमने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। बाबा सावधान कर रहे हैं बच्चे, पुरुषार्थ करने का समय अभी है। इसी समय दैवी स्वराज्य की स्थापना हो रही है। बाबा राजाओं का राजा बनाने के लिए आए हैं। राजाओं का राजा बनना है तो राजयोग का अभ्यास करना है। जो बच्चे राजयोग का अभ्यास करते हैं वही जानते हैं अब हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। सत्ययुगी दुनिया दैवी फूलों का बगीचा है, देवताएं चैतन्य फूल हैं, अल्लाह का बगीचा दिखाते हैं। बाबा ने कहा आप उस बगीचे के फूल बनते हो, ये यादगार है। बाबा ही बच्चों से मिलकर पूछते हैं पहले कभी मिले हो, कल्प पहले की स्मृति बाबा याद दिलाते हैं। कहते हैं हाँ बाबा, 5-4 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे। मम्मा बाबा की तरह ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं बच्चे परमात्म प्यार में ऐसे खो जाओ कि ये पुरानी दुनिया भूल जाए। जैसे कोई आपको महिमा करने वाला प्रिय लगता है, आपको स्नेही लगता है, ऐसे कोई आपको शिक्षा देता है तो आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं। अटेंशन देंगे इस बात पर कि जैसे महिमा करने वाला हमें प्रिय लगता है, क्या शिक्षा देने वाला भी हमें उतना ही प्रिय लगता है, शुभ चिंतक लगता है? अगर ऐसा अनुभव होता है कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, ये मेरे स्नेही हैं, तब कहेंगे देही अभिमानी अवस्था। अभिमान वाला अपमान सहन नहीं कर सकता है। ऐसे सुंदर व्याख्यान आज बाबा ने देही अभिमानी अवस्था का दिया है कि हम बच्चों को सदा सबके प्रति स्नेही और शुभ चिंतक की भावना रखनी है। आज चलते फिरते याद रहे मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। चलते फिरते
सबके प्रति स्नेह की भावना, शुभ भावना और जो हमें शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं उनको आज दिल से शुक्रिया करेंगे कि आपने हमें ये मीठी शिक्षाएं दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। कृष्ण ने, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? कौन सी बात है जो परमात्मा के बारे में जानते हैं और मनुष्यों के हिसाब से उनकी समझ से बाहर है? तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद ज़रूर करना है। छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद कर लो, पर याद में ज़रूर रहना है। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी होकर बैठो, और किसी भी सभा में ये बात कोई नहीं कहता कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये एक बाप ही समझाते, और किसको कहना आएगा नहीं, ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता, बाप निराकार ज्ञान सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सागर है बाबा, तो बच्चों को जरूर ज्ञान सुनाएंगे। पतित पावन है, तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, देहाभिमान नहीं रखना। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। बाबा है निराकार, वो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परमात्मा आकर देते, आत्मा को धारण करना होता। आत्मा कोई पतित से पावन होने की युक्ति बताते। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। अब ये तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। यह बेहद का बाप जो ज्ञान की बातें समझाते, बेहद का विनाश, बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर क्लास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय के थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है।
मनुष्यों की बुद्धि को एकदम गॉडरेस का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं या शरीर धारण करती हैं पार्ट बचाने के लिए। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए। अब तुम्हें ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता चल गया, शुरू से लेके अंत तक। सृष्टि के आदि मध्य अंत का किसका क्या क्या पार्ट है सब पता चल गया। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। अब ये बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई, बच्चे जानते, 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते। गंगा स्नान करने के लिए जाते, उससे कोई पावन नहीं बन सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े बहुत लगाते कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाबा ने समझाया वापस कोई जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अब नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अब सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं बोधि क्रिश्चन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह इस समय तमो प्रधान है। जो भी आत्माएं हैं इस समय सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाबा आकर स्थापना विनाश कराते, कहते हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाबा आकर समझाते, तुम मुझे बुलाते हो तब जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाबा ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह ठीक बात, नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते हुए बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सत्ययुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर दिखाया। ये सब भक्ति की बातें हैं। बाबा इन सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते तब कहते हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता, इसलिए जेल बर्ड्स कहते। बाबा ने समझाया ये रावण राज्य है, वहाँ ये बातें होती नहीं, वो है ही राम राज्य। वहाँ ना गर्भ जेल है ना वो जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है, कलयुग अंत है। बाबा समझाते बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता रहता है, उत्थान पतन फिर उत्थान फिर पतन, हर कल्प होता रहता, राइज और फॉल दुनिया को होता, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बचाने, अब वो देवता है नहीं। जो राज्य करके जाते उनके चित्र निशानियाँ रहती, राजाई तो ख़त्म हो गई, हेविन क्लास हो जाता, फिर हेल होता, फिर हेल ख़त्म हो हेविन बनता, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता, हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुम्हें दैवी गुणों वाला देवता बनना है, ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मूत पुलिति मनुष्य है ना, भगवान वाच
ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है, अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। विकारों पर जीत पाने से नए विश्व का मालिक बन जाएंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ये वही महाभारत की लड़ाई है, काम शत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अब तुम समझते हो पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, उससे पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते कि कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया। कलयुगी दुनिया कैसी है? डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते गार्डन ऑफ अल्लाह कहते। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में एक खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए ऐसी पोशाक में फिर कल्प के बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते, बाबा के पास कोई आते तो बाबा पूछते आगे कभी आए हो? कहते हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उनके घराने में आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है, तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये श्री कृष्ण के दो गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक की तरफ लात है, तुम्हारा भी मुँह है स्वर्ग की तरफ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो भी हमें घर जाना है तो घर को ही याद करना है, वापस घर जाना है घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसे कहते बेहद का वैराग। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से जाएंगे। मुख्य याद की यात्रा, याद तो करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बातें समझाते, मुझे याद करो, यथार्थ बात अंडरलाइन कर लेंगे, मुझे याद करो। यह अव्यय विचारी याद सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो श्री बाबा भी बिंदी है, अपने को आत्मा बिंदी समझे, बाबा को भी बिंदी समझें। नई बात देख भूल जाते, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है, वो है शांति धाम, वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अब मैं आया हूँ तुमको देने, कितनी बार तुमने राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? जिससे अनगिनत बार वर्षा लिया राजाई ली उसे क्यों भूल जाते हो? माया के तूफान, उनसे बहुत लड़ाई होती इसलिए नाटक दिखाते हैं, माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें मेहनत है। बाबा कहते महारथी बनो, पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल
अडोल राज्य पाना है, तुम्हारा बुद्धियोग बाबा के साथ ऐसा रहे जो भले कितने भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके, तुम्हारा बुद्धियोग बाबा के साथ ऐसा रहे भले कितने भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके, यह तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना है, जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुम्हें बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेंगे, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे, उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। जब रिजल्ट आउट हो जाएगा कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते चलो, गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया धारणा के लिए। सार आज की मुख्य बातें, 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है, देह अभिमान मिटा देना है, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, अपने को बिंदु आत्मा समझ, बिंदु बाप की याद में रहना है, महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। आज का वरदान, सर्वात्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे कि मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं, ऐसी स्थिति को कहते देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है, अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। सरल शब्दों में, यदि कोई आपकी महिमा करता है तो उसके प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे अगर कोई आपको आपकी कमी की तरफ इशारा देता है उसके प्रति भी उतना ही स्नेह रहे, इसको कहेंगे देही अभिमानी अवस्था। क्योंकि ये भी शुभ भावना और प्यार है कि हमारी कमी की तरफ किसी ने ध्यान खिंचवाया। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है, अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी, परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। आज हम याद रखेंगे मैं देही अभिमानी हूँ, सबके प्रति स्नेह और शुभ भावना रखने वाले, सबके प्रति सच्चा स्नेह रखने वाले, देह से न्यारी मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखें, अपनी आंतरिक स्थिति को देखें। जब कोई हमारी महिमा करता है हमारी स्थिति कैसी होती है, जब कोई हमें हमारी कमी बताता है क्या उस समय भी प्रसन्नता का अनुभव होता है, यदि नहीं तो आज शुभ चिंतन मन में करें कि मेरे हृदय में सबके लिए आत्मिक प्यार और शुभ भावनाएं हैं। यदि कोई हमें शिक्षा देता है
उसमें हमारा कल्याण है। स्पेशल शुक्रिया करें उन लोगों का जिन्होंने कभी हमें सावधान किया, हमारी किसी कमी की ओर इशारा किया। दिल से उनका शुक्रिया करें, बाबा का भी शुक्रिया करें और स्व परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करें। बाबा की पवित्र किरणों से मैं अपनी देही अभिमानी अवस्था में स्थित हूं। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक सारे जग का करण धार हो।